वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम की मजम्मत की है। वज़ीर आज़म का कहना है कि पाक फौज समेत किसी भी इदारे की किरदार कुशी की सूरत में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, इदारे अपना काम करेंगे। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले कानून की गिरफ्त में आएंगे। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि पंजाब स्पीड नहीं, पाकिस्तान स्पीड होगी। महंगाई कम करने के लिए शॉर्ट और मीडियम टर्म प्लान बना रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि बातों से कौमें नहीं बना करती, इतवार को भी काम करना पड़ेगा। दो छुट्टियां खुशहाल कौमें करती हैं। सियासी सूरत हाल पर बात करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पार्लियामान की मुदत 1.5 साल है, हमने कितना रहना है, इत्तेहादी मिलकर फैसला करेंगे। ताहम नून लीग की सोच है कि इस्लाहात करें और इलेक्शन में जाएँ। वज़ीर आज़म ने गवर्नर स्टेट बैंक के मुस्तकबिल पर गौर का भी इशारा दे दिया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि पंजाब स्पीड नहीं, पाकिस्तान स्पीड होगी। महंगाई कम करने के लिए शॉर्ट और मीडियम टर्म प्लान बना रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि बातों से कौमें नहीं बना करती, इतवार को भी काम करना पड़ेगा।